चाइनीज वैज्ञानिकों ने नया कोविड स्ट्रेन तैयार किया है। इस बार का वायरस बेहद घातक है। इस वायरस से ग्रसित व्यक्ति एक हफ्ते के अंदर दम तोड़ देगा। ये कोविड शरीर पर नहीं बल्कि सीधे दिमाग पर अटैक करता है। इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट ने इसे दुनिया में तबाही लाने वाला बताया है। विश्व अभी कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। कोरोना के लिए वैश्विक स्तर पर चीन को जिम्मेदार ठहराया गया था, क्योंकि ये वायरस चीन के वुहान लैब से निकला था। अब एक बार फिर चीन पूरी दुनिया को कोरोना जैसी महामारी की चपेट में डाल सकता है। चीन से आई एक रिपोर्ट ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। बता दें कि हाल ही में डेली मेल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें दावा किया गया है कि चीन के वैज्ञानिकों ने नया कोरोना वायरस स्ट्रेन तैयार किया है। ये म्यूटेंट बेहद घातक है। इसका चूहों पर परीक्षण किया गया। ये चूहों को 100% मारने में सक्षम पाया गया है। चीन की सेना से ट्रेंड डॉक्टरों की एक टीम ने कोरोना वायरस वेरियंट का प्रयोग चूहों के एक ग्रुप पर किया। उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि आखिर कोरोना वायरस का असर चूहों पर कैसे होता है। इसके बाद समूह के 4 चूहों को वायरस की डोज दी गई। बाकी के 4 अच्छे चूहों को संक्रमित चूहों के साथ रख दिया गया। उन्होंने पाया कि हेल्दी चूहे संक्रमित चूहों के संबंध में आकर संक्रमण का शिकार हो गए। उसके बाद डॉक्टरों ने पाया कि पूरी तरह से इन्फेक्टेड होने के बाद 5 दिनों के भीतर सारे चूहों का वजन काफी कम हो गया। उनकी आंखें सफेद पड़ गईं। 7वें दिन आखिरकार चूहों ने दम तोड़ दिया। चीन द्वारा उत्पादित इस नए स्टोन को GXP2V नाम दिया गया है। ये वायरस बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइनीज मिलिट्री से जुड़े वैज्ञानिकों ने कोविड की तरह ही वायरस बनाया है। वहीं शोधकर्ता भी इस वायरस की मारक क्षमता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। रिपोर्ट में बताया गया कि जो प्रोटीन मनुष्यों में पाया जाता है वही चूहों में भी होता है। इसी से वैज्ञानिकों को आइडिया मिला कि ये वायरस मनुष्यों पर भी उतनी ही तेजी से काम करेगा, यानी जो हालत चूहों की हुई वही हालत इंसानों की हो जाएगी। डेली मेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइनीज वैज्ञानिकों ने अनपब्लिश्ड पेपर में दावा किया है कि इस स्ट्रेन का मनुष्यों पर तेजी से असर होगा। टीम ने यह भी पाया कि संक्रमित चूहों के दिमाग और आंखों पर सबसे ज्यादा वायरस लोड पाया गया है। शोध पत्र में कहा गया है कि ये कोविड की तरह शरीर पर असर नहीं करता बल्कि सीधे दिमाग पर अटैक करता है। इस रिपोर्ट पर लंदन स्थित इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट फ्रैंकोइस ब्लॉक्स ने कहा कि ये बहुत ही भयावह स्टडी है। वैज्ञानिक तौर पर यह शोध बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि ये देखना बाकी है कि ये वायरस किन परिस्थितियों में काम नहीं करता है। इसी हिसाब से वैज्ञानिक इस वायरस की तोड़ के लिए दवाओं का निर्माण करेंगे। वहीं कई अन्य विदेशी वैज्ञानिकों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।